सबसे पहले अपने भोजपुरी दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूँगी। मैं एक्ट्रेस रितु सिंह और ये मेरे करियर का यू नो फर्स्ट होली सॉन्ग है इस मूवी में अभी तक का। और अभी हम सब हैं लुटेरे के सेट पे, जैसे कि आप सब जानते हैं। और आज ये गाना यूनिक क्यों है, क्योंकि इस गाने में हम तीनों स्टार हैं, पवन जी भी हैं, यश जी भी हैं और गौरव झा हैं और अक्षरा जी हैं, पूनम जी हैं एंड मी। तो तीनों छः जो रॉक करने वाले हैं इस सॉन्ग में, तो बहुत अलग हटके होगा और बहुत उम्मीद है इस गाने से। अगर लड़कियों की बात की जाए तो हमेशा पिंक कलर उनका फेवरेट रहता है और आज आप पिंक कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं, तो क्या मतलब पिंक कलर की, पिंक कलर आपको भी पसंद है? हाँ बिल्कुल पसंद है, मैं बोलने वाली थी मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। जैसे बचपन में होता है ना, बच्चों क्या कलर पसंद होता है चीज़ें पूछी जाती हैं, तो मेरा हमेशा से पिंक कलर बहुत फेवरेट रहा है। इत्तेफाक से आज इतना प्यारा कलर मुझे मिला है और कल से वैलेंटाइन वीक भी शुरू है। तो वैलेंटाइन डे पे क्या सेलिब्रेट कर रही है रितु? मैं शूट कर रही हूँ। शूट कर रही हूँ। I love my plan नहीं है। कोई प्लान नहीं है, प्लान ये है कि ऑलरेडी प्लान्ड है, इसलिए कोई प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि अभी इसके बाद में भुज में जो शूट चल रहा है उसको शूट कर रही हूँ, जिगर मूवी को। तो इसके जस्ट बाद में वहाँ पे रहूँगी, तो वैलेंटाइन वीक मेरा वहीं जाने वाला है। तो बस वो दुआएं चाहिए कि अच्छे से कम्प्लीट हो पाए। और फिल्म की शूटिंग कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है, आज लास्ट सॉन्ग की शूटिंग है। तो हाँ। फिल्म के दौरान फिल्म के पूरे टीम के साथ कितना क्या कुछ एंजॉय किया, कुछ ऐसे शेयर करना चाहेंगे जो अभी फिल्म पूरी कंप्लीट होने के बाद भी याद आने वाली है? ये फिल्म जिगर का, ये सॉरी लुटेरी मूवी, ये 3 महीने पहले से ही सारा सीन कंप्लीट है और बहुत कोऑपरेटिव है सारे एक्टर्स, सारे मेरे सुपर डुपर सीनियर अक्षरा जी एंड पवन जी एंड यश कुमार मिश्रा जी एंड पूनम जी, सारे बहुत ही कोऑर्डिनेशन जो होता है, जो मस्ट होता है इस सेट पे, बिल्कुल है, प्यार है, अच्छे से काम स्मूथली कम निकल गया पता नहीं चला और आज लास्ट है। रितु मेहंदी लगा के रखना रिलीज हुई है, काफी बेहतरीन बिजनेस है फिल्म का, सारी ऑडियंस खुश है, आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहूंगी मैं, और मेरा घर जो है बिहार में पड़ता है बक्सर एंड गोरखपुर भी है, तो जो धमाल मची है, सारे अपडेट्स आ रहे हैं, सारे कॉल्स आ रहे हैं, पिक्स वगैरह आप देख रहे हैं कि हाउसफुल जा रही है मूवी। तो हालांकि उम्मीद तो थी इस मूवी से, इतना तो था, लेकिन इससे बेहतर और भी हो सकता है और मैंने उस पर खुद काम किया है और खेसारी जी की मूवी वैसे ही हिट होती है, तो उम्मीद तो थी। हमारे प्रोड्यूसर जो हैं अनंजय रघुराज जी को स्पेशल क्यों है, क्योंकि रजनीश मिश्रा जी जो हैं हमारे फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर, उनकी ये पहली मूवी है, तो इस मूवी का जो नया स्टाइल हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा वो सराहनीय है सबके सामने। तो आई लव दिस मूवी और मैं भी नहीं देख पाई, लेकिन आई विल सी लुक ही दर्शक देख पाए हैं। इस मूवी में एक वेस्टर्न लुक गया है, एक पॉपुलर गाना मुझे मिला और जैसे सरसों के सकिया एंड फेयर एंड लवली से, आजकल सब मुझे लवली ही बुला रहे हैं, आई डोंट नो कब तक बुलाएंगे मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट है और इस किरदार को मैंने बहुत इंजॉय किया, मतलब एक बच्चे की तरह, एक स्टूडेंट की तरह जो इंजॉयमेंट होती है, आई लव माई कैरेक्टर उसमें। तो ऑडियंस तरफ से आपका एक नया नाम मिल गए? हाँ मिल चुका है वो नाम और सच में मतलब ऐसा तो बहुत ही एक लकीली होता है कि आपको किसी गाने से, किसी किरदार से इम्पैक्ट पड़ता है और आपको वो नाम मिल जाता है, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे दर्शक इस गाने के हर जबान पे ये गाना है और मुझे उस नाम से पहचाना जाता है। और बात करें आज इस फिल्म की शूटिंग लास्ट है, इसमें क्या नाम मिलने वाला है आपको? अभी तो फिलहाल मैं टीचर हूँ टीचर हुए और नाम जो है इसमें कि अभी नाम से ज़्यादा मैं टीचर जो कैरेक्टर जा रहा है, क्या क्या सबका जो ड्यूटी दी गई है सबकी, सारे बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, सबकी क्लासेस लगाती हूँ, इवन जो मेरा को स्टार है जो प्यार करती हूँ जिससे, उसके भी लताड़ लगाती हूँ तो एक जाने वाला है अलग सा। किस तरह की शिक्षा देते हुए नजर आएंगी आप इस फिल्म में? इसमें शिक्षा क्या मतलब, एक गांव में जो स्कूल होता है, सरकारी स्कूल होती है, उसमें पूरे गांव की स्टोरी है एक्चुअली, तो बस बच्चों को ट्रीटमेंट जो भी है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, मूवी आने दीजिए फिर बताऊंगी किस प्रकार का ट्रीटमेंट है। जी हाँ, बच्चों को आप मतलब डांटते हुए उन्हें सिखाते हुए नजर आएंगी, तो आपने अपने टीचर्स को कितना परेशान किया है? मैंने बिल्कुल परेशान नहीं किया, मैं बहुत शांत थी और शांत तरीके से अपने जो स्टूडेंट्स उनको भी इसमें ट्रीट किया है, और हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा रही तो तेरे पर सूट होता नहीं है, हार्ड लुक तो सॉफ्टली कर, और मेरे से वही होता है प्यार से अच्छे से ट्रीटमेंट।